जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग 2020 के लिए तैयारी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट आ चुका है प्री का। बहुत सारे लोगों का डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, क्योंकि लगभग 10 से 15 हज़ार ही लोग हमेशा प्री पास करते हैं बीच में, और बाकी के जो लगभग 7 से 8 लाख 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाहर हो ही जाते हैं। तो एक निगेटिविटी कहीं ना कहीं रहती है उनके अंदर। कुछ लोगों को तो पहले से ही पता रहता है कि हमारा नहीं होने वाला है, अगले साल के लिए हम तैयारी करना शुरू कर दें। कुछ लोग होते हैं जो बॉर्डर पर होते हैं, कहीं ना कहीं 5-10 नंबर का फ़र्क रहता है, उनकी तादाद संख्या बहुत ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं, है ना। तो एक उनके अंदर निराशा भी घर कर गई होगी, कहीं ना कहीं लग रहा होगा, थोड़ा बहुत लगता ही है कहीं ना कहीं कि हमारा हो जाता इस बार तो मेंस देने का मौका मिल जाता। लेकिन दोस्तों, ये वक्त अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकालिए, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करिए। कुछ लोगों के तो मन में ऐसा आ रहा होगा, यार अब तो हो ही नहीं पाएगा, इतने कम नंबर आए थे मेरे, ठीक है। तो आप एक बार फिर से जागने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो आपको, जो आपकी सिचुएशन है सेम वही सिचुएशन होती है, उन्हें लगता है कि अब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए, प्री ही नहीं हुआ। जिसमें पहला नाम मैं लेना चाहूँगा, टॉपर हैं वो निशांत जैन जी, 13वीं रैंक आई थी उनकी 2014 में। उनका पहली बार में सोचिए प्री ही नहीं हुआ, ये सोचिए। दूसरी बार में 13वीं रैंक यानी हिंदी मीडियम के टॉपर वो रहे। उनको भी ऐसा ही लगता था, उनको लगता था कि अब क्या होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा। देखिए, जब व्यक्ति का 3 स्टेप हो, 3 स्टेप में से एक ही स्टेप में व्यक्ति बार बार रुक रहा है तो क्या होगा, डेफिनेटली उसकी जो ऊर्जा है, जो क्षमताएं हैं, वो कहीं ना कहीं उसे चैलेंज करने लग जाएंगे कि नहीं, अब नहीं हो सकता है। आपको भी शायद हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि नहीं, अब नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपने उन लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लिया जिन लोगों का इसी प्रकार की जैसी सिचुएशन आपकी है वैसी सिचुएशन उनकी थी, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। आप उठ जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो भी नहीं हुआ है अब तक, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से कदम बढ़ाइए अपना, और मंजिल तक फिर से एक तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। अभी रिसेंटली आप क्या क्या कर सकते हो रिवीजन के तौर पर, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो आप कहीं ना, तो आप एक तरह से फिर से अपने आप को एनर्जेटिक कैसे कर सकते हो। मई से आप करंट अफेयर्स निकालना स्टार्ट कर दीजिए, मई से पढ़ना पूरा महीने का जो भी मैगजीन हो या कुछ भी हो वो आप निकालिए, दोबारा से उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब की एनसीईआरटी एक बार फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। मैगजीन्स जो भी हैं, जैसे आप कोई भी लेते हो, क्रॉनिकल लेते हो या विजन आईएएस पढ़ते हो, कोई भी पढ़ते हो, आप उसे अच्छे ढंग से, जो भी नोट्स हों आप पर उन्हें निकाल लीजिए। जो भी बुक्स आपको ऐसा लग रहा हो कि इस बार काम नहीं आई वो प्री में, उन्हें थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, रख दीजिए। आपको जो लग रहा हो स्टैंडर्ड, जो बुक आपको महसूस हो रही हो कि हाँ ये पढ़ने से हो सकता है, उन चीज़ों को आप एक तरफ कर लीजिए, और ये सोचिए कि मुझे इस साल बस यही पढ़नी है। बाकी के जो भी ढेर लगे हुए हैं आपके, उन सब ढेरों को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए अपने रूम से। अपने रूम की साफ़ सफाई करिए, अपने मन की साफ़ सफाई करिए, और ईश्वर पर विश्वास करिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, यदि आप इस प्रकार से चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अपने घर को धोइए, रूम को धो लीजिए एक बार, साफ़ सफाई कर लीजिए, मन अपना कहीं ना कहीं जो कालिख लग चुकी है दिमाग में उसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए, डेफिनेटली आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। चाहे आप नए हों चाहे पुराने हों, मैं नए लोगों से भी बात कर रहा हूँ, जो लोग इस बार देकर आए थे नहीं हुआ उनका, उनसे भी बात कर रहा हूँ। अपने आप को एनर्जेटिक आपको करना होगा। देखिए, ये सिचुएशन तो आती हैं, ये आनी ही चाहिए, इसी से तो आपका माइंड जो है विस्तार होगा। कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कैसे होंगी कम्प्लीट, जब आप उस चीज़ को समझेंगे, आपने कहाँ कमी कर दी, ठीक है, किसके कहने पर आपने कमी कर दी, उन चीज़ों को भी देखिए। जो डायरेक्शन ले रहे हो आप, उस डायरेक्शन में कमी तो नहीं है आज तक आपने जो डायरेक्शन लिया। प्रैक्टिस थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जल्द ही टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही ये मान के लिए बेहतर होगी, वो बेहतर ढंग से होगी। और आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो सिचुएशन एग्ज़ाम के अंदर होती हैं, यानी कि सारी चीज़ें दी हुई होंगी, उसमें इतने घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं, और स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिला करेगा। इस प्रकार से वेबसाइट पर मैं चीज़ों को करवा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। उससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस भी होती रहेगी, कहीं ना कहीं एवेल्यूएट कर सकोगे, है ना, अपने आप को, खुद को, कि हम कहाँ किस क्या स्तर हमारा
क्या है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। आप बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, सारी चीज़ों को कवर करते रहिए, मैं आपकी हेल्प हमेशा करता ही रहता हूँ। देखिए ये छोटा सा वीडियो था, जो लोग नकारात्मक में जा रहे थे कहीं ना कहीं, एक बार फिर से दौड़ाइए खुद को, रेस में दौड़ जाइए, क्योंकि वो लोग जिनका होना है वो रेस में पहले से ही भाग रहे हैं दोस्तों। अब क्या करना है, आपको भी दौड़ लगानी है, और वो किसके साथ लगाइए, खुद के साथ लगा लीजिए दौड़। आपने जो भी किया अब तक उसे एक तरफ रख दीजिए, अब ये सोचिए कि ये मेरा नया साल है, इस साल बदलाव होना है। एक लीजिए पेन और कॉपी ले लीजिए, उसमें से एक पेज फाड़िए, उसे दीवार पर अपने चिपका दीजिए, लिख दीजिए आपको जो भी करना है इस साल उस चीज़ को, और रिवाइज करते रहिए अपने दिमाग में, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पहुंच जाती हैं। जैसे आप लिख करके कह सकते हो, जिम में अपनी चीज़ों को रख सकते हो, जिससे आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने जिम में कुछ लिखा है। जब भी आप कहीं घूमने जा रहे होगे, कुछ ना कुछ कुछ ऐसा कर रहे होगे जो स्टडी से संबंध नहीं है आपका, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, नहीं मुझे ये टारगेट जो मैंने लिखा हुआ है या फिर मेरी दीवार पर चिपका हुआ है वो टारगेट पूरा करना है। कुछ भी आप गलत करने जा रहे हो, गलत तो खैर नहीं होता है चीज़ें, लेकिन भटकाव होता है, भटकाव जैसे ही होगा आपका माइंड ऑटोमेटिक उस आपकी जेब पर पहुंच जाएगा, या फिर आपने जो दीवार पर चिपकाया वहां पर पहुंच जाएगा। इससे आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी, और एक बार फिर से उठ जाइए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत ही सीमित लिमिटेड एक तरह से चीज़ें जो आपको पढ़नी है उन पर आप फोकस कर लीजिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। वीडियो स्क्रीन पर आ जाएंगे एंड में, उन वीडियोज़ को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, और बहुत जल्द मैं टेस्ट सीरीज आपको प्री के लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इस प्रकार की टेस्ट सीरीज नहीं, थोड़ा सा सिमिलर, यानी यूपीएससी के सिमिलर यदि आपको क्वेश्चंस मिल जाएँ तो आपको हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन वो समझ में आ जाएगा। ये क्या होगा, घर पर आप टेस्ट सीरीज ला के करोगे, उससे बेहतर क्या होगा, आप ऑनलाइन उसको करेंगे तो बेहतर रहेगा मुझे लगता है, है ना। नहीं सिचुएशन वही, यानी दो घंटे आपको मिले केवल, उसके बाद आपकी रैंक भी आ जाए इस प्रकार से, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड में स्क्रीन पर आ चुके हैं वीडियो, देख लीजिए और जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम मिट जी, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये बताइए वो बताइए, मैंने इतने सारे वीडियो बना दिए हैं यूपीएससी के ऊपर कि मुझे लगता है कि आपका कोई सवाल बचा होगा, ठीक है। लेकिन नए स्तर से फिर भी बनाता रहता हूँ मैं, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियोज़ देख लीजिए पुराने, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।